जय हिंद दोस्तों। सन 2020 में BSF ने अपने वेबसाइट में भारी परिवर्तन किया है, काफ़ी अपग्रेड किया है। इसके वजह से आपको लॉगिन करना मुश्किल हो रहा होगा, तो आइए जानते हैं कैसे आप BSF के वेबसाइट में जाकर के लॉगिन करके अपने डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, पे GPF वगैरह को। सबसे पहले आपको किसी भी वेब ब्राउज़र को खोलना होगा, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को खोल रहा हूँ, और उसके वेब एड्रेस बार पर आपने टाइप करना है hub.bsf.gov.in और इंटरप्रेस करना है। तो BSF का ये पेज खुलता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें आपने यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालना होता है। यूज़र नेम में आप डालेंगे अपना रजिस्टर नंबर विथ अकाउंट नंबर या एल्डर नंबर, और पासवर्ड में जो आपका पासवर्ड पहले से सेट किया हुआ है वो आप डालेंगे। और उसके बाद आप नीचे दिए हुए कैप्चा को डालेंगे। याद रखें कि ये सेंसिटिव है केस का, तो आपने उसका ध्यान रखना है। और कैप्चा डालने के बाद आपने लॉगिन पे प्रेस करना है। जब आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो ये BSF का लॉगिन होकर के आपके अकाउंट में पेज खुलेगा। इसमें अगर आपने अपना पे GPF CPF वगैरह देखना है तो आपको PMIS में जाना है। PMIS में हम जाते हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपग्रेड किया हुआ है। पे स्लिप देखने के लिए है, GPF के लिए है, IT रिटर्न का है अपडेट इसमें है, छुट्टी कितनी आपकी जमा है, HPL रिस्ट्रिक्टेड लीव वगैरह EL उसकी डिटेल्स में है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।